प्रतिबंधिता युवा का पाठ चल रहा है। अर्थम कमाई, पढ़ाई जब चल रही है तो कमाई भी हो रही है। अब प्यारा बाप हम बच्चों को क्या आज्ञा दे रहे हैं, क्या श्रीमत दे रहे हैं? देखो साकार बाबा ने सब प्रकार से, जैसे कि हम बच्चों को सजाया, फिर अव्यक्त रूप धारण करके, फिर भी जो जो पॉइंट हमारी नहीं धारण हुई है वो फिर से सुना रहे हैं। कितनी परवरिश किया है, कितनी कितना छत्र छाया में पालना दी है, अब बाबा रिटर्न जर्नी चाहिए। दीदी जी को सिलाई का शौक था और उसमें बहुत कुशल थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं सिलाई का क्लास शुरू करूंगी, सबको सिलाई सिखाऊंगी और जो कमाई होंगी वो अपने हाथ की कमाई दान पुण्य करूंगी। तो उसने सिलाई क्लास शुरू किया जिसमें कई बांधेली माताएं, कन्याएं, मनोहर दादी सहित आते थे और सिलाई भी सीखते थे, योग भी करते थे, कभी कभी डांस भी करते थे। तो दीदी जी ने दिल्ली की सेवा शुरू की, इलाहाबाद की सेवा शुरू की और फिर दीदी को दिल्ली जोन इंचार्ज बाबा ने बनाया। सो दीदी बहुत बुद्धिमान थी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी थी। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब ब्रह्मा बाबा ने दीदी जी को मधुबन में बिठाया इंटरनल सेवा के लिए और दीदी जी ने वो पाठ अच्छी रीत से बजाया। और फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तब प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी ने यज्ञ को संभाल लिया। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद मुरलियां दादी प्रकाशमणि ज्यादातर सुनाती थी और दीदी बहुत अच्छा स्टूडेंट बनकर पहली लाइन में बैठकर हमेशा डायरी लेकर आती थी और मुरली की पॉइंट्स लिखती थी प्रश्न उत्तर के रूप में। और मुरली के बाद जो उनको मिलने आते थे उनको मुरली के प्रश्न पूछती थी कि आज बाबा ने इसके बारे में क्या बताया। उन दिनों में मुरली में प्रश्न उत्तर नहीं होते थे, ये दीदी ने रस्म शुरू की और बाद में शुरू हो गई। दीदी मन मोहिनी थी, ओ गोपी मस्तानी, नाथ जैसा काम भी वैसा कान्हा की दीवानी। आबूलाने महायज्ञ थी वो कथा रच डाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली।